तो मित्रों ये है करंट अफेयर, और हम इसमें से जो एक पूरा सप्ताह है उसका करंट अफेयर इसमें हम कंप्लीट कर लेंगे, और इसमें हम थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन भी इसके साथ में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हमने जो भी दिवस रहे हैं इस सप्ताह के, वो दिवस हमने रखे हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 19 दिसंबर, 20 दिसंबर, 21 दिसंबर और 22 दिसंबर। तो इसका सही ऑप्शन है 20 दिसंबर, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस जो है वो 20 दिसंबर को मनाया जाता है। और इस दिवस को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि सारे लोगों में एकता की भावना हो, विविधता में एकता हो। जैसे कि अपने भारत में ही विविधता में एकता की बात कही जाती है। हालांकि हम भारत की अगर बात करें तो भारत में तो इसके बहुत अच्छे उदाहरण हैं, या फिर कहें कि हमारे यहाँ पर इतने ज़्यादा धर्म, जातियाँ, संप्रदाय होने के बावजूद भी हम एक हैं। इसी प्रकार से पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सारे लोगों में एकता हो सके, इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस मनाया जाता है 20 दिसंबर को। नेक्स्ट, राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? 22 दिसंबर, 23 दिसंबर, 24 दिसंबर या फिर 25 दिसंबर। तो 23 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय किसान दिवस। तो राष्ट्रीय किसान दिवस 23 नवंबर को मनाया जाता है, और ये चौधरी चरण सिंह की जयंती के रूप में, जो कि हमारे भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे, उनकी मतलब कि जयंती के हिसाब से ये मनाया जाता है। तो वे जो उनका कार्यकाल रहा है वो 1979 में उनका कार्यकाल रहा था, 1979 से 1980 में उनका कार्यकाल रहा है, और उनका जो जन्म है वो 1902 में हुआ था, उस समय जबकि भारत गुलाम था अंग्रेजों का। तो उस समय जो ब्रिटिश प्रांत थे उसमें से एक प्रांत था संयुक्त प्रांत। संयुक्त प्रांत मतलब उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश के नूरपुर में उनका जन्म हुआ था। तो इस प्रकार से ये राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है 23 दिसंबर को। नेक्स्ट, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर, 24 दिसंबर, 25 दिसंबर या फिर 26 दिसंबर। तो ये मनाया जाता है 24 दिसंबर को। देखिए, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाने का ये लक्ष्य है कि जो उपभोक्ता करने वाले, मतलब जो लोग हैं, उनकी जागरूकता हो सके, वो उनके अधिकारों का मतलब कि सही से क्रियान्वयन हो सके, इसके लिए ये मनाया जाता है। और 24 दिसंबर 1986 को उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986, ये राष्ट्रपति जी के द्वारा इसको मंजूरी भी दी गई थी। नेक्स्ट, अब देखिए हम आते हैं मैनुअली जो चीजें हैं। तो गैर बासमती चावल के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला धान के कटोरे के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है कुशीनगर, ललितपुर, महोबा और चंदौली। तो इसका सही ऑप्शन है चंदौली, मतलब कि चंदौली को गैर बासमती चावल के रूप में इसको धान का कटोरा कहा जाता है उत्तर प्रदेश का। और ये वाराणसी का जो पूरा मतलब बेल्ट है, वाराणसी क्षेत्र से चावल के निर्यात की संभावनाओं को देखते हुए अपेडा ने देश के प्रमुख निर्यातकों के साथ समन्वय एक प्रकार से स्थापित किया है। तो इस प्रकार से ये जो चंदौली है काफी ज्यादा धान का उत्पादन करता है, लेकिन ये गैर बासमती है, बासमती इसमें से नहीं जुड़ा है। नेक्स्ट, व्यक्ति को इच्छानुसार अपना नाम रखने एवं परिवर्तन करने संबंधी अधिकार अवधारणात्मक रूप से निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों के अंतर्गत ऐसा रखा गया है? मतलब कि कोई व्यक्ति अपना नाम बदल सकता है, अपना नाम जो चाहे वो रख सकता है, इसकी स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? तो ये स्वतंत्रता है अनुच्छेद 19(1)(a) और अनुच्छेद 21। तो अनुच्छेद 19(1)(a) जिसमें से क्या रखा गया है कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और अनुच्छेद जो 21 है उस संविधान का, वो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है। तो इन दोनों को मिला के ये बात कही गई है कि कोई व्यक्ति अपना नाम अपने हिसाब से रख सकता है। और ये जो निर्णय है अभी, ये उच्च न्यायालय इलाहाबाद के उच्च न्यायालय ने ये अभी निर्णय दी है। तो इस प्रकार से कोई व्यक्ति अपने हिसाब से अपना नाम रख सकता है। नेक्स्ट, हाल ही में अमेरिका ने भारत को फिर से करेंसी मैनिपुलेशन निगरानी सूची में शामिल किया है। बताइए निम्नलिखित में से कौन से देश इसमें शामिल हैं? तो चीन, जापान, दूसरा ऑप्शन है जापान, जर्मनी, तीसरा है जर्मनी, सिंगापुर और चौथा ऑप्शन दिया है इनमें से उपरोक्त सभी। तो देखिए, उपरोक्त सभी मतलब इन सारे देशों को अमेरिका ने करेंसी मैनुपुलेशन के कैटेगरी में रख दिया है कि ये अपनी करेंसी को मैनुपुलेट करते हैं। इसमें क्या होता है कि अपना देश का इंटरेस्ट जुड़ा होता है, देश का फायदा जुड़ा होता है इसलिए। लेकिन देखिए, अमेरिका का जो डॉलर है
वो अपने डॉलर को श्रेष्ठ बनाए रखने के लिए भारत हो या फिर इसके साथ चीन, जर्मनी, जापान, सिंगापुर, ताइवान, थाईलैंड, इटली, कोरिया, मलेशिया, इन सब देशों पर वो आरोप लगाता है कि ये लोग अपनी करेंसी को मैनिपुलेट करते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने डॉलर की जो वैल्यू है उसको वो ज़्यादा बढ़ाए रखता है। इससे देखिए, जब ये कोई इस तरह का आरोप लगाता है तो इससे हमारे देश में डायरेक्ट कोई मतलब नुकसान नहीं होता, लेकिन इनडायरेक्ट रूप में थोड़ा सा साख के रूप में इसमें से हमें नुकसान होता है। नेक्स्ट, खबरों में रहा अमूर बाज, यानी कि अमूर फाल्कन आईयूसीएन की रेड लिस्ट में किस कैटेगरी में शामिल किया गया है? ऑप्शन है वल्नरेबल, लीस्ट कंसर्न, इंडेंजर्ड और नियर थ्रेटेंड। तो ये शामिल है फ्रेंड्स किसमें? लीस्ट कंसर्न, मतलब कि जो वाल्कन अमूर बाज पक्षी है, या फिर कहें वाल्कन अमूर फाल्कन है, या फिर अमूर बाज, इसको लीस्ट कंसर्न श्रेणी में रखा गया है आईयूसीएन की। तो देखिए, ये एक प्रवासी पक्षी है और ये मतलब कि शिकारी पक्षी है। तो ये शिकारी पक्षी अभी नागपट्टिनम जिले के पॉइंट कलीमर अभयारण्य में ये मतलब देखा गया था, बॉम्बे में। तो इस हिसाब से ये अभी चर्चा में रहा है। और आईयूसीएन जो है वो रेड लिस्ट जारी करता है जिसमें से पक्षी हो या फिर जानवर हो उनकी क्या स्थिति है उसको इसमें से दर्शाया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे प्रतिष्ठित ग्लोबल विजनरी ऑफ सस्टेनेबल बिजनेस एंड पीस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है मुकेश अंबानी, लक्ष्मी मित्तल, रतन टाटा और कुमार मंगलम। तो ये रतन टाटा को ग्लोबल विजनरी ऑफ सस्टेनेबल बिजनेस एंड पीस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब इन्होंने चूंकि इस क्षेत्र में काफी अपना काम किया है, इसके साथ साथ में इन्होंने मतलब स्थिरता और शांति के लिए भी काफी काम किया है, नवाचार के लिए काम किया है, इसलिए इनको मतलब रतन टाटा को ये सम्मान दिया गया है। नेक्स्ट, एडीबी ने भारत में किस राज्य की बुनियादी ढांचा परियोजना की तैयारी का समर्थन करने के लिए हस्ताक्षर किया है? तो एडीबी जो है ये त्रिपुरा में बुनियादी ढांचा का विकास, मतलब कि वहां जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है, तो इसलिए एडीबी यानी एशियाई डेवलपमेंट बैंक ने भारत के साथ एक मसौदा तैयार किया है जिसमें से 4.21 मिलियन डॉलर का एक ये प्रोजेक्ट तैयार किया जाएगा जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा। नेक्स्ट, मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो भारत ने प्राप्त किया है 111वां, यानी कि मानव स्वतंत्रता यानी 111, तो 111वां स्थान हमने ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स में प्राप्त किया है। इसमें से 162 देश शामिल हुए थे और ये कैटो इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किया गया था। पिछले साल से हम इस सूची में अपना 17 स्थान हम लोग डिग्रेड नीचे चले गए हैं, और इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो स्वतंत्रता है यहाँ पर घटी है। ठीक है, स्वतंत्रता घटी है जिसका काफी कारण जो हमारे पॉलिटिकल रीजंस हैं जिससे कि हम मान लीजिए अपनी बात कह नहीं पाते हैं, और ये सारी चीजें जो हैं इसमें से शामिल होती हैं। अब इसमें से सबसे अगर अच्छे बात करें तो सबसे अच्छे में देखिए, जैसे न्यूजीलैंड सबसे नंबर एक में है, स्विट्जरलैंड दूसरे में, हांगकांग तीसरे में, डेनमार्क चौथे में, और ऑस्ट्रेलिया इसमें से 5वें नंबर पर स्थान रखते हैं। सबसे खराब देश की अगर बात करें तो सीरिया है। तो इस प्रकार से मानव स्वतंत्रता सूचकांक 111, 111वां स्थान भारत रखता है, 17 स्थान हम इसमें से पीछे चले गए हैं पिछले साल की अपेक्षा। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के जेवर में बनने वाले ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे के लोगों में निम्नलिखित में से क्या कैरी किया गया, मतलब क्या लिया गया, उसका जो लोगो बनाया गया है उसमें से क्या बनाया गया है? राजकीय पक्षी, राजकीय पशु, राजकीय पुष्प और राजकीय खेल। तो क्या बनाया गया है उसमें? उसमें बनाया गया है फ्रेंड्स राजकीय पक्षी। और उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है? क्रेन, सारस। तो सारस को उसमें लिया गया है यहाँ पर। पर अगर हम और बात करें जैसे कि पुष्प है, तो यहाँ पर एक पुष्प होता है जिसको हम कहते हैं जंगल की आग भी कहते हैं उसको, तो उसे मतलब इसमें से रखा गया है। तो और ये जो हवाई अड्डा है देखिए कि काफी महत्वपूर्ण है, इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा है, और ये जैसे कि लंदन में बना है, मास्को में बना है और मिलान में जिस प्रकार के हवाई अड्डे हैं तो वैसे अब हवाई अड्डा ये होगा। और जैसे हमने अभी कहा था कि जो पुष्प है, तो पुष्प हो गया यहाँ का, अशोक जो है राजकीय वृक्ष हो गया,
इस प्रकार से यहाँ की ये वो है। और चिन्ह जो है यहाँ के चिन्ह में जैसे एक धनुष बाण बना है उसमें दो मछलियाँ बनी हैं, तो ये है। और तो इस प्रकार से उत्तर प्रदेश की और सारी कुछ चीजें हैं। नेक्स्ट, पावर सेक्टर में कौशल विकास के लिए पहला उत्कृष्टता केंद्र कहाँ शुरू किया जा रहा है? तो ये गुरुग्राम में शुरू किया जा रहा है, मतलब कि पावर सेक्टर में कौशल विकास के लिए पहला उत्कृष्टता केंद्र गुरुग्राम हरियाणा में ये शुरू किया जा रहा है। इसमें क्या होगा कि कुछ मतलब प्रशिक्षण दिए जाएंगे जिससे कि लोग अपना डेवलपमेंट काफी अच्छे से कर सकेंगे। नेक्स्ट, हाल ही में तपेदिक और चेस्ट रोगों का राष्ट्रीय सम्मेलन नाटकॉन आयोजित हुआ, ये कहाँ, बताइए इस सम्मेलन का ये कौन सा संस्करण है? तो फ्रेंड्स ये है 75वां, मतलब कि 75वां संस्करण है ये नाटकॉन का। नाटकॉन मतलब कि तपेदिक और चेस्ट मतलब हृदय, ये कहें कि सीने से संबंधित जो भी रोग होते हैं, फेफड़ों से संबंधित रोग होते हैं जो, उनसे संबंधित ये वो किया गया था। और इसमें जैसे फेफड़ों से संबंधित रोग हमारा टीबी हो गया, दमा हो गया, ये सारी चीज़ों का इसमें से निवारण करने के लिए अलग अलग इसमें बात की जा रही है। और आंकड़ों के अनुसार पिछले 2 वर्षों में प्रत्येक जिले में कम से कम एक उपकरण के साथ रैपिड मॉलिक्यूलर टेस्टिंग डिवाइस को 3,000 से ज़्यादा उपकरणों को इसमें से बढ़ाया जाएगा। तो इस प्रकार से ये सम्मेलन किया गया है जिसमें से हम इन सारी चीज़ों को देखेंगे। नेक्स्ट, हाल ही में आयोजित भारतीय उद्योग परिसंघ यानी कि CII के संबोधन सत्र में भारत और किस देश के बीच आर्थिक रणनीति रिपोर्ट लॉन्च की गई है? ऑप्शन है इंडोनेशिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और कुवैत। तो ये ऑस्ट्रेलिया के साथ में हमने भारतीय उद्योग परिसंघ का एक प्रकार से आयोजन किया है, एक रणनीति हमने साझा की है। और इससे क्या होगा कि उद्योग क्षेत्र में हम अपने विकास को ऑस्ट्रेलिया से कुछ चीज़ें हम एडॉप्ट करेंगे और कुछ चीज़ों में वो हम ये भी उम्मीद लगाएंगे कि ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर क्या करे, निवेश भी करे। नेक्स्ट, गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? तो गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाने का जो टाइम है, ऑप्शन है आपके पास 18 दिसंबर, 19 दिसंबर, 20 दिसंबर और 21 दिसंबर। तो ये मनाया जाता है 19 दिसंबर को, 19 दिसंबर को ये मनाया जाता है। और 1961 में हम पुर्तगालियों से गोवा को छीन लिए थे, एक ऑपरेशन विजय किया गया था। क्योंकि देखिए जो पुर्तगाली थे तो सबसे पहले पुर्तगालियों में जैसे वास्को डी गामा आया था, तो उन्होंने क्या किया था कि धीरे धीरे करके यहाँ पर कब्जा कर लिया था और गोवा को उन्होंने अपने अधिकार में रखा था। लेकिन ये भी देखिए कि हम 1947 में आज़ाद हो गए थे, लेकिन 1961 तक भी गोवा में पुर्तगालियों का ही शासन था। इसके बाद हमने वहाँ पर पुलिस कार्रवाई की और एक ऑपरेशन विजय चलाया, और ऑपरेशन विजय के तहत हमने गोवा को मुक्त करा लिया था। इसके बाद फिर हमने इसको अपने देश का अभिन्न अंग मतलब पूरी तरह से बना लिया। तो 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है, और 1961 में हमने उनसे इसको क्या कर लिया था, छीन लिया था। नेक्स्ट, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ संवाद कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है? मलेशिया, चीन, पाकिस्तान या फिर जापान? तो हमने जापान के साथ में अभी संवाद कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है फ्रेंड्स। तो संवाद के तहत हम कई मुद्दों पर उसमें से बात करेंगे, जैसे लोकतंत्र है, मानवता है, अहिंसा है, स्वतंत्रता, सहिष्णुता, इन साझा इनके जो भी साझा मूल्य हैं इनको हम इस कॉन्फ्रेंस के तहत हमने क्या किया है, साझा किया है जापान के साथ। और ये 6वां इंडियो जापान संवाद था। तो ये भी अगर पूछें कि ये संवाद का कौन सा संस्करण था, तो ये 6वां था, जापान के साथ हमने किया इसे। नेक्स्ट, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ पर एडवांस्ड हाइपरसोनिक विंड टनल परीक्षण सुविधा का उद्घाटन किया है? चेन्नई, बंगलुरु, हैदराबाद या फिर भोपाल? तो हैदराबाद में हमने इसका हाइपरसोनिक विंड टनल का परीक्षण किया है। और इससे क्या होगा कि जो हम एक जगह से दूसरी जगह की जो ट्रेवलिंग है, तो स्वदेश निर्मित भारतीय उद्योगों को हमने मतलब इसमें लगा के या फिर इसके तहत इनको हम काफ़ी चीज़ें उसमें से प्रोवाइड कर सकेंगे। नेक्स्ट, हाल ही में ONGC ने भारत का 8वां हाइड्रोकार्बन उत्पादक बेसिन कहाँ पर ओपन किया है? ऑप्शन है उड़ीसा, बिहार, पश्चिम बंगाल या फिर झारखंड। तो पश्चिम बंगाल में ONGC ने अपना 8वां
हाइड्रोकार्बन उत्पादक बेसिन। तो देखिए हाइड्रोकार्बन इसका मतलब ये है कि 7 हाइड्रोकार्बन उत्पादन के जो बेसिन है वो पहले से ONGC बना चुकी है, और अब इसके बाद में फिर से ये पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले में एक मतलब ये बनाने जा रही है, जिसमें से अशोक नगर में मतलब एक कुआं खोदा जाएगा। कुआं खोदने का मतलब ये है कि अगर आप वहां से प्राकृतिक गैस या फिर अगर वहां से जो तेल है अगर उसको निकालना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, वहां पर ड्रिलिंग करेंगे, कुआं खोदेंगे और उसके साथ आप उसको बाहर निकालेंगे। तो ये पश्चिम बंगाल 24 परगना जिले में ये ड्रिलिंग एक प्रकार से होगी, और ये 8वां हाइड्रोकार्बन उत्पादन बेसिन होगा ONGC का। नेक्स्ट, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रिपोर्टिंग इंडिया पुस्तक का विमोचन किया। बताइए इस पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है पंकज त्रिपाठी, रतन टाटा, प्रेम प्रकाश और अजीत डोभाल। तो इसके जो लेखक हैं वो हैं प्रेम प्रकाश। तो रिपोर्टिंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? प्रेम प्रकाश। नेक्स्ट, खबरों में रहा शब्द E20 क्या है? ऑप्शन है रोबोट, ईंधन, कोरोना वैक्सीन या फिर नाभिक में नया इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या चीज़ है? ईंधन। तो E20 क्या है? एक ईंधन है। अब E20 का ये मतलब है कि ईंधन में 20% का इथेनॉल और गैसोलीन का मिश्रण कर देना। अभी वर्तमान में भारत मतलब 10% इथेनॉल मिलाने का काम कर रहा है, और उसमें से हम अभी 10% भी नहीं मिला पाए। अभी हमने 5.6% मिश्रण से अभी हमने ईंधन तैयार किया है। तो मतलब इस प्रकार से बायो ईंधन का हम ज़्यादा यूज करें, इसके लिए E20 एक ईंधन है। तो इसमें से 20% इथेनॉल और गैसोलीन को क्या करेंगे, ईंधन में मिक्सर करेंगे। मतलब कि जो हमारा उस तरह से निकाला गया तेल है उसमें इतना 20% हम मिलाएंगे। इससे क्या होगा कि प्रदूषण कम होगा, क्योंकि जब हम इथेनॉल मिलाते हैं तो इथेनॉल चूंकि क्या होता है कि नेचुरल रूप से प्राप्त किया जाता है, जैसे गन्ने से या अन्य उस तरह से पदार्थों से प्राप्त किया जाता है, तो ये नुकसान नहीं करता, इसमें से प्रदूषण कम होता है। नेक्स्ट, खेल मंत्रालय ने खेलो इंडिया यूथ गेम में 4 स्वदेशी खेलों को शामिल करने की मंजूरी दी है। निम्नलिखित में से कौन सा खेल इसमें शामिल नहीं है? ऑप्शन है मलखंबा, कलारीपट्टू, थांगता और बीहू। तो इसमें बीहू को शामिल नहीं किया गया है। बाकी जो मतलब खेलो इंडिया यूथ गेम है उसमें से 4 चीजें शामिल की जा रही हैं। तो 4 चीजों में से देखिए क्या क्या है। एक है चीज गतका, ठीक है, तो गतका जो है फ्रेंड्स एक ये, और कलारीपट्टू, थांगता, मलखम। यहाँ पर मलखम जो है मध्य प्रदेश का एक प्रकार से राजकीय खेल है। थांगता जो है ये आदिवासियों का अपना एक मतलब खेला जाने वाला त्योहार टाइप का। कलारीपट्टू इसमें अगर आप देखते हैं तो कलारीपट्टू जो है ये एक मार्शल आर्ट है केरल का मुख्यतः। तो इस प्रकार से जो यूथ गेम होंगे इस बार के खेलो इंडिया यूथ गेम, उनमें ये 4 चीजें शामिल की जाएंगी, गतका, कलारीपट्टू, थांगता और मलखम। और 2021 का खेलो इंडिया जो कार्यक्रम होना है वो कहाँ पे आयोजित किया जाना है? हरियाणा में। तो ये भी हमें याद रखना है कि हरियाणा में अब क्या किया जाएगा, आयोजित किया जाएगा 2021 का। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दें कि इसको 2 श्रेणियों में बांट दिया गया है, अंडर 17 और अंडर 21 अब बांट दिया गया है। तो इस प्रकार से इसके उसको थोड़ा सा विस्तार भी दिया जा रहा है, और इसमें कॉलेज और विश्वविद्यालय के जो खिलाड़ी हैं वो भी इसमें से हिस्सा फ्रेंड्स ले सकेंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसकी हालिया रिपोर्ट के अनुसार वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए नॉर्थ सेंटिनल द्वीप के शोषण से इस द्वीप पर रहने वाले आदिवासी समूह का सफाया हो सकता है? तो देखिए ये किसने कहा है, ऑप्शन है जैसे नीति आयोग, भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया या फिर पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। तो भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण ने ये कहा है कि जो सेंटिनल द्वीप है अगर यहाँ पर हम ज्यादा गतिविधियां शुरू कर देंगे तो इससे क्या होगा कि वहां जो रहने वाले सेंटिनलीज नाम की जो आदिवासी हैं वो क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे एक प्रकार से। एक बात और यहाँ पर याद रखने लायक है कि अभी से कुछ पहले ही क्या हुआ था कि ये जो सेंटेनल द्वीप है यहाँ पर लोगों का देखिए जाना वर्जित है, रोक लगी है। लेकिन अमेरिका का एक ट्रबलर था मतलब कि घूमने वाला आया था, तो वो आदेशों को नहीं माना और वहाँ पे चला गया था, तो आदिवासियों ने उसको मार दिया था। ठीक है, तो ये जो सेंटेनलीज जो द्वीप है ये भी महत्वपूर्ण, और सेंटेनलीज जो जनजाति है वो भी महत्वपूर्ण है जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में रहती है।
और ये मतलब ऐसी जनजाति है जो कि बिल्कुल ही कटी हुई है, मेन स्ट्रीम से बिल्कुल कटी हुई है। और यहाँ पर अगर हम देखें अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, तो इन ये जो द्वीप हैं पूरे, इसमें से यहाँ पर लगभग 96 वन्य जीव अभयारण्य और 9 राष्ट्रीय उद्यान एवं 1 बायोस्फीयर रिजर्व है। तो ये भी देखिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि पर्यावरण की दृष्टि से और बायोडाइवर्सिटी की दृष्टि से ये क्षेत्र काफ़ी ज़्यादा रिच है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है, यहाँ पर उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। तो अगर ऐसा हम कहें कि उष्णकटिबंधीय जलवायु, चूंकि देखिए ये भूमध्य रेखा के काफ़ी नज़दीक है, इसलिए यहाँ पर उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। और भारत का ये दक्षिणतम पॉइंट भी यहीं पर है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, जिसको हम इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं। तो ये लगभग 6 डिग्री कुछ मिनट पे अवस्थित है इसका सबसे दक्षिणी पॉइंट। तो ये है नेक्स्ट। हाल ही में किन दो ग्रहों के बीच महान संयोजन की घटना चर्चा में है? देखिए, तो महान संयोजन मतलब कि उन पास पास कौन से दो ग्रह आ रहे हैं। ऑप्शन है शनि बृहस्पति, बुध शुक्र, शनि और बृहस्पति, और अगला ऑप्शन है मंगल और बृहस्पति। तो इसमें देखिए शनि और बृहस्पति, शनि और बृहस्पति जो हैं, इनमें एक घटना देखी जानी है, मतलब कि महासंयोजन की घटना इनमें देखी जानी है। और इससे क्या होगा कि ये एक दूसरे के काफी पास आएंगे। ये घटना अगर हम पहले बात करें तो ये 1623 में घटी थी, और इसके बाद ये घटना जो है ये 2080 में फिर से पुनः घटेगी। तो इस घटना को हम इस प्रकार से देख सकते हैं। एक चीज और है यहाँ पर कि ये जो देखिए शनि और बृहस्पति, इन ग्रहों की बात करें तो जैसे बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, दूसरा ग्रह शनि है अपना। और शनि ग्रह जो है, इसका घनत्व जो है पानी से भी कम घनत्व होता है, अर्थात अगर शनि ग्रह को पानी में रख दिया जाए तो ये पानी में तैरेगा, पानी में डूबेगा नहीं। तो इस प्रकार से ये घटना दक्षिण पश्चिम मतलब आकाश में सूर्यास्त के लगभग 1 घंटे बाद मतलब दिखाई देगी। और इस घटना को क्रिसमस स्टार या बेथलेहम का तारा भी कहा जाता है। तो अगर हम ये कहें कि क्रिसमस स्टार या बेथलेहम का तारा क्या है, तो वो यही चीज होगी फ्रेंड्स। नेक्स्ट, इंटरनेशनल साइंस फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया यानी कि ISFFI 2020 का आयोजन कब किया जाना है? ऑप्शन है यहाँ पर 21 से 24 दिसंबर, 22 से 25 दिसंबर, 22 से 23 दिसंबर, 22 से 28 दिसंबर। तो ये आयोजित किया जाना है 22 से 25 दिसंबर। तो 22 से 25 दिसंबर को इंटरनेशनल साइंस फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया यानी ISFFI 2020 का आयोजन किया जाना है। और ये पहल विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विशिष्ट क्षेत्रों में फिल्मकारों के प्रयासों और योगदानों को मान्यता देती है। मतलब ये कि जो भी फिल्म मेकर हैं, वो साइंस की जागरूकता के लिए साइंस से संबंधित कितनी फिल्म बनाते हैं, उसको ही ये एक प्रकार से इंडिकेट करता है। यानी कि साइंस से अगर हम ऐसी मूवी बनाते हैं जिसमें से साइंस का टच है, तो उससे क्या होता है कि बच्चों में, लोगों पे साइंस के प्रति रुचि जगती है और वो उसके प्रति आकर्षित होते हैं, उसमें वो आगे उसको पढ़ने के लिए उस पे जिज्ञासा उनको होती है। नेक्स्ट, हाल ही में सोशल मीडिया के माध्यम से फिट इंडिया साइक्लेथॉन के किस संस्करण का शुभारंभ किया गया है? ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो ये दूसरा है फिट इंडिया साइक्लोन मतलब साइक्लोथॉन, जो कि दूसरे संस्करण का आयोजन किया जा रहा है। इसमें क्या है कि देखिए, फिट इंडिया मूवमेंट 29 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री जी द्वारा शुरू किया गया था। अब ये जो मूवमेंट है, ये 29 अगस्त को इसलिए शुरू किया गया क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है कब, 29 अगस्त को। तो 29 अगस्त 2019 को शुरू किया गया था। और ये फिट इंडिया या जो साइक्लेथॉन जो आयोजन किया गया है, इसमें से साइकिलिंग करते हुए लोग अपनी पिक्चर, अपना वीडियो क्लिप इसको सोशल साइट में डालें, इसके लिए ये आयोजन किया गया है। दूसरी बात, इसमें से ये भी है कि जो मतलब कि यह दिवस देश में मेजर ध्यानचंद्र की जयंती के उपलक्ष्य में, तो राष्ट्रीय खेल दिवस जो है वो क्यों मनाया जाता है, किनके उपलक्ष्य में मनाया जाता है, मेजर ध्यानचंद्र ये हॉकी के खिलाड़ी थे। तो इस प्रकार से, और हॉकी जैसा आप जानते हैं कि अपने देश का राष्ट्रीय खेल भी है, और 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। और इसमें से जैसा हमने चर्चा की कि अपना साइकिलिंग करते हुए लोग अपनी इमेज, अपना वीडियो साझा कर सकेंगे। नेक्स्ट, भारत सरकार ने
किस स्वतंत्रता सेनानी की 125वीं वर्षगांठ मनाने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन करने का निर्णय लिया है? ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल, चंद्रशेखर आजाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं वर्षगांठ मनाने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है और इसमें से एक संग्रहालय भी मतलब खोला जाएगा और ये संग्रहालय कोलकाता में होगा। ठीक है, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर एक संग्रहालय कोलकाता में खोला जाएगा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट, हाल ही में सिंगेला संक्रमण काफी चर्चा में है, बताइए निम्नलिखित में से किससे होता है? तो ये जो सिंगेला संक्रमण है, तो ये सिंगेला इन्फेक्शन है एक प्रकार से, तो ये किससे होता है? विषाणु से होता है, प्रोटोजोआ से, कवक से या फिर बैक्टीरिया से? तो ये बैक्टीरिया से होता है फ्रेंड्स। अब देखिए, ये केरल के कोझिकोड जिले में स्वास्थ्य अधिकारियों ने एक आपातकाल बैठक बुलाई थी, वो इसलिए क्योंकि सिंगेला संक्रमण तेजी से फैल रहा था। तो आप ये भी पूछा जा सकता है कि सिंगेला संक्रमण कहाँ फैला? तो केरल में फैला मुख्यतः, और ये सिगेलोसिस या सिगेला संक्रमण आंतों का एक संक्रमण है जो सिगेला नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। आपको बता दें कि सिगेला संक्रमण दूषित भोजन और दूषित पानी से फैलता है। किसी व्यक्ति के सिस्टम में प्रवेश करने और उसे बीमार करने के लिए कम संख्या में ही सिगेला काफी है, मतलब कि ये जो सिगेला बैक्टीरिया है अगर थोड़ी भी मात्रा में पहुंचता है किसी व्यक्ति के शरीर में तो उसको इन्फेक्टेड कर देगा। नेक्स्ट, कैच द रेन अवेयरनेस जनरेशन कैंपेन, तो ये किस मंत्रालय की पहल है? कैच द रेन अवेयरनेस जनरेशन कैंपेन किसकी पहल है? ये ऑप्शन है जल शक्ति मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्रालय, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। तो ये है जल शक्ति मंत्रालय की पहल। तो जल शक्ति मंत्रालय की ये पहल है, क्या पहल है? कैच द रेन अवेयरनेस जनरेशन कैंपेन। इसके तहत क्या किया जाएगा कि जहां पर मतलब कि वर्षा जैसे होती है तो प्रत्येक जिले में वर्षा होती है तो उस वर्षा को इकट्ठा किया जाएगा और इससे रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर अच्छा सा तैयार किया जाएगा, इसलिए इसको रखा गया है फ्रेंड्स। और इसकी जो टैग लाइन है, कैच द रेन कैंपेन की जो टैग लाइन है वो ये है, कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स। तो ये इसकी क्या है, एक टैग लाइन रखी गई है। क्या, फिर से एक बार देखें, कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स, ये इसकी एक टैग लाइन है। नेक्स्ट, खबरों में रहा किलाऊ ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? ऑप्शन है स्विट्जरलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और जापान। तो फ्रेंड्स, ये किससे संबंधित है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में किलाऊ जो ज्वालामुखी है ये एक्चुअली अभी फूटा है, इसलिए इसको मतलब ये खबरों में अभी रहा है। अमेरिका के जियोलॉजिकल सर्वे की एक सलाह के अनुसार हवाई के, देखिए अब ये हवाई द्वीप है एक अमेरिका का, और हवाई के बिग आइलैंड पर किलाऊ ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। यह ज्वालामुखी हवाई वोल्केनोज नेशनल पार्क में स्थित है। तो देखिए, ये भी याद रखने योग्य है, क्या यह ज्वालामुखी हवाई वोल्केनोज नेशनल पार्क में स्थित है? हवाई प्रशांत महासागर के मध्य में स्थित संयुक्त राज्य अमेरिका का एक डोमेन है, मतलब उसका ही एक भाग है। हवाई द्वीप समूह के अधिकांश द्वीप इसी प्रांत में मतलब स्थित हैं और हवाई द्वीप की जो राजधानी है वो क्या है? होनोलुलु। तो होनोलुलु इसकी राजधानी है इस प्रांत की। नेक्स्ट, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक करप्सी कोड यानी कि आईबीसी का निलंबन 31 मार्च 2021 तक बढ़ाया जा रहा है, बताइए आईबीसी को कब लागू किया गया था? ये इसको कब लाया गया था? ऑप्शन है 2015, 2016, 2017 या फिर 2018। तो फ्रेंड्स, 2016 में आईबीसी यानी कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक करप्सी कोड को लाया गया था। ये इसलिए लाया गया था कि जैसे जो लोग बिजनेस के लिए या लोन ले लेते हैं इंडस्ट्री लगाने के लिए, वो वापस से पैसा नहीं अगर जमा करते हैं, तो इसके लिए ये विधेयक लाया गया था कि भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड के तहत ये लाया गया था और ये 2016 में लाया गया था। लेकिन अब चूंकि कोरोना का जो पीरियड चला रहा है, तो इसलिए ये माना जा रहा है कि जो लोगों ने लोन लिया था वो वापस नहीं कर पाएंगे। तो अगर नहीं वापस कर पाएंगे
तो वो सारे के सारे दिवालिया घोषित हो जाएंगे। इसलिए 31 मार्च 2021 तक इसकी इसको क्या किया गया है, इसको निलंबित कर दिया गया है इस प्रावधान को, जिससे कि लोग मतलब कि दिवालिया के कैटेगरी में ना आए। तो एक प्रकार से जो इंडस्ट्री के लोग हैं उनको इसमें से काफी सुविधा दी गई है। नेक्स्ट, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में तेंदुए की आबादी में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? ऑप्शन है 40%, 50%, 60% या फिर 70%। तो 60% की फ्रेंड्स अभी वृद्धि हुई है तेंदुओं की उसमें। तो हाल ही में स्टेटस ऑफ लियोपर्ड इन इंडिया 2018 रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। इसमें ये बताया गया है कि भारत में तेंदुओं की जो आबादी है वो 60% की इसमें से वृद्धि कर लिए हैं। और रिपोर्ट के अनुसार भारत में जो तेंदुए हैं अब बढ़कर 12,852 हो गए हैं। और अगर हम ये बात करें कि सबसे ज्यादा तेंदुआ कहाँ पे है, तो क्रमशः मध्य प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र। तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा तेंदुआ है जो कि 3,421 है। तो इस प्रकार से और भी जो मतलब की है, जैसे और एक चीज और बता दें कि जैसे मध्य प्रदेश है तो इसको टाइगर स्टेट कहते हैं, यहाँ पर टाइगर भी सबसे ज्यादा है गणना के हिसाब से। नेक्स्ट, हाल ही में किस बैंक ने भारतीय रक्षा बल के साथ नए सैन्य वेतन पैकेज के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन है SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, ICICI बैंक, HDFC। तो इसमें से बैंक ऑफ बड़ौदा ने भारतीय रक्षा बल के साथ एक नए वेतन पैकेज का समझौता किया है फ्रेंड्स। इसमें से क्या होगा कि जो भी मतलब लोग पेंशन पा रहे हैं या फिर जो भी सैलरी पा रहे हैं रक्षा बल के लोग, उनको ये बैंक बैंक क्या करेगा कि एक प्रकार से बैंक ऑफ बड़ौदा उनसे साझा करके उनको एक प्रकार से अच्छी सुविधा प्रदान करने की कोशिश करेगा। नेक्स्ट, हाल ही में किसने फाइजर और बायो एनटेक द्वारा विकसित कोरोना वैक्सीन को मंजूरी दे दी है? तो किसने फाइजर और बायो एनटेक द्वारा जो कोरोना वैक्सीन की जो वो बनी है, वैक्सीन बनी है कोरोना वायरस की, तो किसने मंजूरी दिया है? ऑप्शन है अमेरिका, रूस, यूरोपीय संघ या फिर भारत। तो यूरोपीय संघ ने इसको क्या कर दिया है, मंजूरी दे दी है। तो यूरोप ये इस टीके को मंजूरी दे दी है, अर्थात यूरोप में ये टीका लगाया जाएगा और ये mRNA तकनीक पर बेस्ड टीका है। तो इस प्रकार से ये टीका सब सारे लोगों को वहां पर लगाया दिया जाएगा। अब देखिए, इसके लिए जो डोज की आपूर्ति है वो बेल्जियम की फाइजर, तो ये अगर कंपनी का देखा जाए तो बेल्जियम की कंपनी है फाइजर, वहां से इस टीके का मतलब निर्माण किया जाएगा और फिर लोगों को लगाया जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में अमेरिका ने भारत में किसे लीज ऑफ मेरिट पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है? ऑप्शन है अभिनेता सोनू सूद, विदेश मंत्री जयशंकर, एस जयशंकर, और फिर अगला ऑप्शन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और अगला ऑप्शन है अभिनेत्री दिया मिर्जा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहाँ पर लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड से सम्मानित करने की बात कही है किसने, अमेरिका ने। और ये इसलिए किया है इन्होंने कि कुछ सालों से जैसे मतलब कि भारत और अमेरिका के जो संबंध है उसमें से इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है उनको संबंधों को प्रगाढ़ करने के लिए, इसलिए इनको लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है। इसके साथ साथ में अमेरिका ने जापान, ऑस्ट्रेलिया के जो प्रधानमंत्री हैं रहे हैं इनको भी इसने क्या किया है कि ये पुरस्कार देने की बात कही। नेक्स्ट, हाल ही में किसने जलीय कृषकों के लिए एक बहुभाषी कॉल सेंटर लॉन्च किया है? ऑप्शन है नीति आयोग, समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, ऑप्शन सी है DRDO और ऑप्शन डी है FCI। तो देखिए, मछुआरों के लिए बहुभाषी कॉल सेंटर का अभी जो वो किया है समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने किया है, और मेनली ये किया गया है जो अपना आंध्र प्रदेश का क्षेत्र है वहाँ के लिए किया गया है, क्योंकि वहाँ काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मछली का उत्पादन किया जाता है और 2400 घंटों उनको इससे तकनीकी सहायता प्रदान की जा सके, इसके लिए इन्होंने किया है। आपको बता दें कि तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल और गुजरात, अगर इनको साथ में इनके प्रोडक्शन को मिला दिया जाए मछली के प्रोडक्शन को, तो पूरे देश के प्रोडक्शन का 60% होता है। तो इस प्रकार से इनको एक्वा फार्मर्स के लिए ये सुविधा दी गई है। नेक्स्ट,
हाल ही में गूगल ने किस देश के टूरिज्म उद्योग के लिए ट्रैवल इनसाइट विथ गूगल नामक टूल लॉन्च किया है? ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, बांग्लादेश या फिर चीन। तो भारत के लिए गूगल ने ट्रैवल इनसाइट विथ गूगल नामक एक टूल लॉन्च किया है। इसमें से जो यहाँ की ट्रेवलिंग है, मतलब लोगों का आना है, इसको बढ़ाया जा सके, इसके लिए ये काम यहाँ पर किया गया है, ताकि मतलब लोग गूगल में ही होटल ढूंढ सकें, है ना, यहाँ पर ट्रेवलिंग की जो भी साइट्स हैं उनको ढूंढ सकें। तो इसलिए गूगल कंपनी ने ये ऐसा किया है। और आप जानते हैं गूगल कंपनी एक अमेरिकी कंपनी है। नेक्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI द्वारा सुरक्षा बढ़ाने और धोखाधड़ी को समाप्त करने के लिए कितने रुपए से अधिक के चेक लेन देन के लिए सकारात्मक वेतन प्रणाली की शुरुआत की जा रही है? ऑप्शन है 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख। तो इसमें से 50,000 से अगर ज़्यादा का लेन देन करना है चेक के माध्यम से, तो सकारात्मक वेतन प्रणाली की शुरुआत की जा रही है इसके लिए, ताकि धोखाधड़ी ना हो सके और लोगों को कोई मतलब किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट, हाल ही में इलेक्ट्रिसिटी राइट ऑफ कंज्यूमर्स नियम 2020 को अधिसूचित किया गया है। विद्युत मंत्रालय के अनुसार डिस्कॉम उपभोक्ताओं को कितने घंटे बिजली देने के लिए बाध्यता है? तो ये है 24 घंटे के लिए बाध्यता है फ्रेंड्स इसमें से। तो हाल ही में इलेक्ट्रिसिटी राइट ऑफ कंज्यूमर्स नियम 2020 यानी 2020 का जो अधिनियम है, इसके तहत 2400 घंटे बिजली देने के लिए बाध्यता की गई है। नेक्स्ट, किस राज्य में म्यूकोरमाइकोसिस नामक फंगल इन्फेक्शन को देखा गया है या फिर उसके लिए एक एडवाइजरी जारी की गई है? ऑप्शन है राजस्थान, बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश। तो गुजरात में फ्रेंड्स म्यूकोरमाइकोसिस नाम का एक फंगल इन्फेक्शन यानी कि कवकीय इन्फेक्शन देखा गया है। और ये कवकीय जो इन्फेक्शन है, ये हमारी इम्यून सिस्टम को सीधे सीधे प्रभावित करता है। अगर किसी को इन्फेक्शन होता है तो 50% उसके मरने के चांस हो जाते हैं। मतलब ये कि अगर 100 लोगों को है तो उसमें से 50 लोग तो लोगों की डेथ हो जाती है। और ये जो है मुख्यतः जिनको कोविड-19 वायरस जिनको संक्रमित किया है, उन लोगों के लिए ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है फ्रेंड्स। तो ये कहाँ पे देखा गया है? गुजरात में। नेक्स्ट, हाल ही में नौका और RORO यानी रोल ऑन रोल ऑफ सेवाओं के लिए नए मार्गों की पहचान की गई है। निम्नलिखित में से कौन उसमें शामिल हैं? ऑप्शन यहाँ पर देखिए है, सोमनाथ मंदिर, हजीरा, हजीरा ओखा, और तीसरा ऑप्शन ओखा, सोमनाथ मंदिर और उपर्युक्त सभी। तो इसमें से सभी में फ्रेंड्स RORO यानी रोल ऑन रोल ऑफ सेवा जो है वो शुरू कर दी गई है। ये अंतरदेशीय जल मार्गों के माध्यम से ये किया जाएगा। इससे कनेक्टिविटी को प्रोत्साहन मिलेगा। साथ ही सागरमाला परियोजना के तहत अंतर्राष्ट्रीय जो मार्ग हैं उन पे गंतव्यों की पहचान भी इसमें से की जाएगी। नेक्स्ट, हाल ही में किसने या किसके द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार 2019 में वायु प्रदूषण के कारण 1.5 मिलियन भारतीयों की मौत हुई? तो फ्रेंड्स देखिए, इसमें से एक लैसेंट जो है, तो इसमें से एक पत्रिका है, पत्रिका लैसेंट प्लेटनरी हेल्थ की एक रिपोर्ट के अनुसार 2019 में वायु प्रदूषण के कारण 1.5 मिलियन भारतीय लोगों की मृत्यु हुई है। इसका मतलब ये है फ्रेंड्स कि बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो वायु प्रदूषण से क्या हो रहे हैं, मर रहे हैं। इसमें से जो घरेलू प्रदूषण है वो तो कम हुआ है, लेकिन बाहर का जो प्रदूषण है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होता जा रहा है। इससे लोगों की मृत्यु ज़्यादा हो रही है, जिसमें से 2.5 और 10 PM जो कण रहते हैं वो स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं और फेफड़ों को तुरंत से नुकसान पहुंचाते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस बैंक ने हाल ही में रुपे सेलेक्ट डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? ऑप्शन है HDFC बैंक, SBI बैंक, ICICI बैंक और अगला ऑप्शन है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने रुपे सेलेक्ट डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। रुपे सेलेक्ट डेबिट कार्ड किसने लॉन्च किया है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने फ्रेंड्स। नेक्स्ट, किस मंत्रालय ने कंपेन ऑर्डर 2020 यानी का CARO की अधिसूचना जारी की है?
तो कंपेन यानी कि ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑर्डर 2020 यानी कि CARO की अधिसूचना जारी की है कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने किसके साथ सुरक्षित और हरित राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारों के निर्माण के लिए 500 मिलियन डॉलर के प्रोजेक्ट पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन है यहाँ पर हमारे पास IMF, विश्व बैंक, WTO और अगला ऑप्शन न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो यहाँ पर विश्व बैंक से हमने ये किया है। इससे क्या होगा, सुरक्षित गलियारे और ग्रीन गलियारे, हरित राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किया जाएगा, जिसमें से रोड के किनारे किनारे हम काफी मात्रा में क्या लगाएंगे, पेड़ लगाएंगे। तो ये सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार इन राजमार्गों के गलियारों में जैसे हिमाचल प्रदेश है, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश, ये राज्य शामिल रहेंगे। और इसमें से विश्व बैंक के साथ मिलकर ये काम किया जाएगा। इसमें से 500 मिलियन डॉलर का प्रोजेक्ट हस्ताक्षरित किया गया है। नेक्स्ट, किस बैंक ने इनफिनाइट इंडिया प्लेटफॉर्म की स्थापना की है? ऑप्शन है RBI, ICICI बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो ICICI बैंक जो है, इसने इनफिनाइट इंडिया प्लेटफॉर्म की स्थापना की है। इससे वो अपनी सेवाओं में थोड़ा सा लोगों को ज़्यादा वो कर मतलब फैसिलिटी दे सकेगा। नेक्स्ट, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य ऑब्लिक केंद्र शासित प्रदेश के लिए सेहत योजना शुरू करने की बात कही है? तो सेहत योजना किसके लिए? ऑप्शन है पुडुचेरी, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तर प्रदेश और पंजाब। तो सेहत योजना जम्मू और कश्मीर के लिए शुरू की गई है। इसका जो सेहत का मतलब है वो है सोशल इंडिवर फॉर हेल्थ एंड टेली मेडिसन। और इसमें से प्रत्येक निवासी के लिए, जम्मू कश्मीर के प्रत्येक निवासी के लिए 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य कवर इसमें से प्रदान किया जाएगा, जिसमें वो कैशलेस सुविधा के तहत अपना उपचार करा सकता है। और इस योजना के तहत जो लोग आएंगे उनको एक कार्ड भी प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में डायरेक्ट टू होम यानी कि DTH प्रसारण सेवाओं के लिए कितने प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की मंजूरी दी है? 50%, 75%, 90% या 100%? तो फ्रेंड्स, DTH डायरेक्ट टू होम सेवा के लिए FDI अब कर दी गई है 100%। मतलब 100% लोग, बाहरी जो लोग हैं वो इसमें से अपना निवेश कर सकते हैं। नेक्स्ट, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में बदलाव को मंजूरी दे दी है। इसमें केंद्र और राज्यों का नया वित्त पोषण अनुपात क्या रखा गया है? 60:40, 50:50, 70:30 या फिर 90:10? तो इसमें से 60:40 रखा गया है। मतलब कि जो पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति अब मिलेगी SC ST लोगों को, तो उसमें से 60% केंद्र देगी और 40% राज्य का भुगतान उसमें से रहेगा, जिससे कि जो लोग हैं उनको ठीक से मतलब छात्रवृत्ति मिल सके। और इसके साथ साथ में उनको मतलब डायरेक्ट बेनिफिट उनके बैंक अकाउंट में ही ट्रांसफर हो सके। और पारदर्शिता का भी इसमें से प्रावधान किया गया है, ताकि बीच में कोई भी बिचौलिया पैसे ना खा सके। नेक्स्ट, हाल ही में डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनेशनल ट्रेड यानी कि DPIIT द्वारा नेशनल स्टार्टअप अवार्ड NSA 2021 का कौन सा संस्करण लॉन्च किया गया है? तो ये है फ्रेंड्स दूसरा संस्करण इसमें से लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल MRSAM यानी कि MRSAM का परीक्षण किया गया है। DRDO ने इसे संयुक्त रूप से किसके साथ मिलकर विकसित किया है? ऑप्शन है इसरो, रोसकोस्मोस, इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री या फिर कनाडा। तो देखिए, हमने इजराइल इस एरोस्पेस इंडस्ट्री के साथ में मिलकर MRSAM का परीक्षण हमने किया है, और जैसा कि ये काफ़ी तेजी से हम इसको मार सकते हैं। और एक इसका कमांड कंट्रोल सिस्टम है जो राडार, मोबाइल लॉन्चर सिस्टम और मिसाइलों को ट्रैक करता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसकी जयंती के उपलक्ष्य में अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान साहित्य उत्सव विज्ञानिका का आयोजन किया गया है? ऑप्शन है चौधरी चरण सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और श्री रामानुजन। तो
तो श्री रामानुजन मतलब के उनके उपलक्ष्य में ये विज्ञानिका कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। और छठवें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव के तहत इसका वो किया गया है। रामानुजन जो थे ये काफी मैथमेटिशियन थे और इन्होंने ब्लैक होल्स जैसे कठिन गणनाओं को भी इन्होंने उस समय दिया था जबकि ब्लैक होल की कंसेप्ट भी लोग नहीं समझे थे, लेकिन इन्होंने उस समय उसका गणित दे दिया था। क्योंकि पहले देखिए क्या होता है कि किसी भी चीज की थ्योरी आती है तब गणित आता है, लेकिन इन्होंने पहले ही गणित दे दिया था फ्रेंड्स। नेक्स्ट, इसरो किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT में अंतरिक्ष के लिए एक क्षेत्रीय शैक्षणिक केंद्र स्थापित करेगा? ऑप्शन IIT गुवाहाटी, IIT खड़गपुर, IIT वाराणसी और IIT दिल्ली। तो IIT वाराणसी इसका सही ऑप्शन है, अर्थात इसरो जो है वो IIT वाराणसी में अंतरिक्ष से संबंधित एक क्षेत्रीय केंद्र स्थापित करेगा। इसमें से वहाँ के जो पढ़ने वाले लोग हैं उनको भी फायदा मिल सकेगा, अनुसंधान कर सकेंगे वो लोग, और BTech MTech के जो छात्र होंगे वो भी वहाँ पर एक अल्पकालिक परियोजना मतलब कि जिस प्रकार से प्रोजेक्ट होता है ना, तो अपना मिनी प्रोजेक्ट वहाँ से वो क्या कर सकेंगे, कंडक्ट कर सकेंगे। नेक्स्ट, हाल ही में प्रसिद्ध कवयित्री सुगाथा कुमारी का निधन हो गया है, उनका संबंध भारत के किस भाषा से था? ऑप्शन है कन्नड़, मलयालम, तेलुगु और भोजपुरी। तो वो मलयालम भाषा की थी, अर्थात वो केरल की भाषा है मलयालम। तो वो साहित्य से जुड़ी हुई थी और 86 वर्ष की उम्र में सुगाथा कुमारी जी का निधन हो गया। तो ये कवित्री थी और एक्टिविस्ट भी थी ये, और इन्हें पद्म श्री अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका था। नेक्स्ट, हाल ही में किसने दिल्ली NCR में सभी उद्योगों को पाइप्ड नेचुरल गैस में बदलने की आवश्यकता पर बल दिया है? ऑप्शन है पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। ऑप्शन दूसरा है वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग। तीसरा, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। और चौथा, नीति आयोग। तो वायु गुणवत्ता प्रबंधन बोर्ड ने ये कहा है कि जितनी भी यहाँ पर उद्योग हैं उन सबको हम नेचुरल पाइप्ड गैस मतलब कि सारे जो भी उद्योग हैं उनको हम गैस से अब नियंत्रित गैस से चलाने के लिए कहेंगे ताकि वहाँ पर धुआं ज़्यादा ना हो सके, और इससे वहाँ क्या होगा कि जो भी प्रदूषण है उसमें थोड़ा सा कमी आ सकेगी। क्योंकि दिल्ली NCR में प्रदूषण की समस्या बहुत ज़्यादा रहती है और खासकर जब पराली जला दी जाती है तब तो प्रदूषण वहाँ पर और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। नेक्स्ट, हालिया अध्ययन के अनुसार कहाँ पर ब्लू हेल की एक नई आबादी के सबूत मिले हैं? ऑप्शन है प्रशांत महासागर, पूर्वी हिंद महासागर, पश्चिमी हिंद महासागर या फिर अटलांटिक महासागर। तो पश्चिम हिंद महासागर में एक नई प्रजाति की ब्लू हेल की आबादी का सबूत मिले हैं, और ये जो सबूत है फ्रेंड्स, हेल की जो आवाज होती है जब वो सर्वाइव करती है, चलती है और कुछ अपना कम्युनिकेशन करती है, तो हेल से एक आवाज पैदा होती है और उसी आवाज को रिकॉर्ड कर लिया जाता है जिससे कि ये पता चलता है कि कहाँ पर व्हेल है। अच्छा, एक बात और कि व्हेल की प्रत्येक प्रजाति की जो आवाज होती है वो डिफरेंट होती है, इसलिए अभी अमेरिका के न्यू इंग्लैंड एक्वावेरियम के शोधकर्ताओं ने मतलब ये बात अभी रिकॉर्ड की है कि एक नई प्रजाति की जो व्हेल है ये पाई जा रही है पश्चिमी हिंद महासागर में। तो फ्रेंड्स, ये था वीडियो जिसमें से हमने काफी कंटेंट देने की कोशिश की है। तो फ्रेंड्स, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि चैनल पे नए हैं फ्रेंड्स तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं, और बाकी के जो भी वीडियो हैं उनको भी आप एंजॉय करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।